दुनिया भर की तरह 14 मार्च राजपूत कल्चर डे पाकिस्तान में भी मनाया गया। राजपूत कल्चर डे एबटाबाद में इरशाद राजपूत की सरपरस्ती में एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में दीगर अकवाम के अफराद ने भी शिरकत की, जिसमें इरशाद राजपूत ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी जितनी भाई भी हैं सबसे दिल जुड़ कर काम करें, जिसका भी कोई दर्दी का काम उसके साथ करे, कोई उसके साथ हेल्प हो करे, ये ना तो कि यार मेरा राजपूत पराया इसी के कारण नहीं, राजपूतों का खसूसी तौर पर करे तो अमूमी तौर पर बाकी लोगों का भी करे। तो जितनी बाकी तरजीबें बनी हुई है ये सब तरजीबें बड़ी ऊपर चली गई है, देखो ये आस्ते आस्ते फिर वापस आ गई आपकी जगह। लीडरशिप का मकसद ये नहीं है कि लीडरशिप मतलब जिसको हम देखे हैं, मेरे 40 साल तक लीडरशिप के लिए लोगों के साथ काम, मेरे मतलब जद्दाद से 18 से मैंने काम शुरू किया है। देखो मतलब जद्दाद की बाकी औलाद जो थी वो माशाल्लाह खैर को खैर है, इसी तरह बाकी लोग मतलब रूप के तेज के साथ आपने बहुत तो पीछे दसों जो है वो आप सबको पता है, इसी तरह बाकी लोगों को भी साथ भी। हमारा ये मुतालबा नहीं है ये कि हम मेम्बर बने, नहीं, हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो जितने भी बैठते हैं उनकी तनख्वाह लेते हैं, कौमी असेंबली के मेम्बर को आशा मिलती है, हर चीज़ उनको मिलती है, जब नहीं काम करते हैं तो आप के नहीं काम करते। तो एबटाबाद में सबसे बड़ा मसला का रुस्तान क्या है, मैं कई जगह पर गया हूँ दुआ के लिए, मैं जाता रहता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मेरी मीडिया से ये गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान का मसला हल कीजिए। नवे शहर का मसला जो है ततार के 125 किनार जमीन पर भी है, उसमें 10-20 किनार जो है नवे शहर के लिए दी जाए, ताकि यहाँ के लोग जिनकी कब्रिस्तान की जगह नहीं है, गरीब है या किसी तरह उनको जरूरत है, तो वहाँ उनके लिए वकूफ की जाए। तो मेरा ये मीडिया से ये गुजारिश है, ये हमारा कौन भाई गुजारिश कर रहे हैं। इस तकरीब का अहतमाम राजपूत कल्चर डे के नाम से केक काटकर किया गया। समीहान हजारा वन टीवी एबटाबाद।